अवाम मर जाए, अवाम आपका ये कहने का मकसद है अवाम मर जाए, इलेक्शन लेट करते जाओ। इस मुल्क में आप अभी तक मुझे ये बता दें कौन सरबरा है पाकिस्तान के अंदर, कौन सरबरा इस वक्त, क्या नवाज शरीफ हाथ हो गया है? क्या उसको लाया गया? चोर की बात ना करो, बंदे की बात करो, उसको लाया गया है? नवाज शरीफ के आने से आपका हौसला नहीं भरा? ओ भाई छोड़ो, किसकी बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? ये पाकिस्तान 40 साल से ये लूट रहे हैं, क्या है आपके मुल्क में, क्या है ये बताए? गुर्बत सबसे ज्यादा है, 80% लोग गुर्बत में है, सफेद पोश है, जो ऐसे नहीं कर सकते, मुझे ये बताए कहाँ पे आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? सब कुछ चोर हैं, सियासतदानों की अभी तक अपनी लड़ाई नहीं खत्म हुई हमारे मुल्क में आके तक कुछ सोचने के सब। एक बंदा है वाहिद खान, उसको भी इन्होंने क्या किया, जेल में डालोगे, क्या हुआ? उसने भी तो चोरी की। जो भी पाकिस्तान के अंदर आवाज निकालेगा वो बस पकड़ा जाएगा या अंदर जाएगा, जेल में जाएगा, क्या हो रहा है? हमारी मुल्क की माओ बेटियाँ बहने हैं ना, क्या है? किसी की भी बेटी हो, सियासतदान है, जो भी है, क्या हो रहा है? पीटीआई की कितनी खवातीन है जो अभी तक जेलों में है, क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? सारी खवातीन जेलों के अंदर हैं, अभी तक वो बंदा ऐसा नहीं है जो बंदा को। सर सवाल ये है ना, मौलाना साहब कहते हैं सिक्योरिटी का मसला है, मौसम का मसला है। मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान, उसको दीन के नहीं पता, क्या बंदा बात कर रहे हो, किस बंदे की बात कर रहे हो? वो कहते हैं रस्से के बच्चों को लेके रोड के ऊपर ले आता है, अदीन को बीच में लाता है, ये कौन सा सलाम है? कौन सा सलाम में क्या जाता है भाई? दीन को आगे आप लेके आए, रोड के अंदर लेके आए, छोटे छोटे बच्चों को मदरसे को डंडे पकड़ के ले आओ रोड के अंदर, ये कौन सा दीन है? तो आपकी गलत है भाई, मैं सिकदारों में आ रहा हूं। आप मेरी बात सुने, दीन है ना मौलाना फरज, वो दीन की कोई बात? अभी फलस्तीन में कितने हमले हो रहे हैं, मौलाना साहब क्यों नहीं खिताब कर रहे? मुसलमान है ना हम क्यों नहीं बात कर रहे? किसी ने अभी तक कदम उठाया नहीं मौलाना साहब को। अगर वो हमले भी हुए उन पे, उनके कन्वाय पे हमले हुए हैं, हमें आप नहीं चाहते कि मौलाना साहब के मसाइल हल हों? आप पे हमले हो गए, वो बहुत हो गया, जो अभी फलस्तीन में हो रहा है, इसराइल कह रहा है, क्या हो रहा है, कौन उस पे बात उठा रहा है? हम भी मुसलमान लोग हैं ना, हम मुसलमान लोग हैं ना, हमें बात करनी चाहिए ना, हमारा हक है उस पर बात करना, कोई भी नहीं करता। ठीक है, आपकी राय, आपकी राय भाई। इलेक्शन मुल्तवी हो गए, मुख्तसर होने चाहिए या नहीं? सेनेट की इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए जी, होने चाहिए। वो कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, मौसम भी ठीक नहीं है। मौसम को क्या देखना है, इलेक्शन होने चाहिए। पहले जो मौसम था तो खराब था, ठीक था, इलेक्शन तो होते थे, अभी भी होना चाहिए इलेक्शन आपका। बल्कि आप तो खैबर पख्तूनख्वा से है, इस मौसम मानसिरा से है, चलो केपी से है ना, इस मौसम में 8 फरवरी में आप जा सकते हैं वोट डालने? बिल्कुल जा सकते, जितना मर्जी बिल्कुल जाएंगे, वोट भी देंगे इंशाल्लाह, सपोर्ट भी करेंगे। आप बताएं सर। इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है हम भाई, वोट होना चाहिए, वोट होना चाहिए। हाँ, डकैतों से हमारे हमें नफरत है, हमें इंसाफ वाला बंदा चाहिए, इमरान खान चाहिए। इमरान खान इंसाफ वाला बंदा है? हाँ इंसाफ वाला बंदा है। नवाज शरीफ इंसाफ वाला? नवाज शरीफ के दौर में मैं कारोबारी बंद हूँ, मैंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसने सारा मुल्क लूट लिया साथ में, मैंने पैसा बहुत कमाए। नवाज शरीफ के हक में आवाम बात करेगी कि यार नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि उसके दौर में किसी ने पैसे कम नहीं कमाए, माशाल्लाह बड़े पैसे कमाए। इमरान खान के दौर में इतना पैसा हमने नहीं कमाया, लेकिन ये कि उसने यहाँ से जो गबन किया सारा सरमाया वो बाहर लेके गया, पानामा लीक हो गया, तो ये करतूत उसके भी तो देखो ना। ने लोगों को तरीका सिखा दिया, आवाम को बोलने का तरीका सिखा दिया, जगा दिया लोगों को, समझाइए ना। इमरान खान ने सारी दुनिया को समझा दिया, वो झुकने वाला नहीं है। मौलवी फजल रहमान भी झुकने वाला नहीं है? हम तो मौलाना फजल रहमान के साथ ही है ना। अच्छा, तो ये आप चाह रहे इलेक्शन होने चाहिए? इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे कहने का मकसद है हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बता दें, ये इलेक्शन करवा के पैसा जाया क्यों कर रहे हैं? अगर नवाज शरीफ ने आना है, लिखा गया है, हर चीज होगी है, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर पैसा क्यों जाया मरा कर रहे हैं? नवाज शरीफ मकबूल लीडर है, वो कहता है मैं वोट की कुव्वत से आऊंगा। कौन सा मकबूल लीडर है भाई, किसकी बात कर रहे हो? जिसको दर्द होती है इधर बाहर जाके इलाज होता है, ये पाकिस्तान में हॉस्पिटल नहीं है? बताओ, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा आज तक इन्होंने दारा नहीं बनाया जो आज तक इनका इलाज इधर हो सके? वो देखिए हमजा साहब ने अपनी तस्वीर के नीचे 8 फरवरी का इलेक्शन लिखा है, इसका मतलब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो हमजा साहब ने लिख दिया ना, वो हमजा साहब हैं, वो हमजा साहब हैं, वो लिख सकते हैं, वो जो कहेंगे वो होना है, तो उनको लाया गया है। और इलेक्शन करवाने का कोई हक नहीं है, वो पैसा इलेक्शन सेनेट ने करारदाद मंजूर किया है कि इलेक्शन फिलहाल मत करवाएं, वो मौसम भी खराब है और सिक्योरिटी के भी मसले हैं। नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, अगर मियाँ साहब को आने दो तो मियाँ साहब कारोबारी आदमी है, मियाँ साहब के साथ इंशाल्लाह काम आगे चलेगा। मियाँ साहब, मियाँ साहब बहुत कारोबारी आदमी है, उसके साथ वो भाई तनकीद करते हैं, कहते हैं मियाँ साहब ये पिछला पठान भाई भी तनकीद करके गया, वो कहते हैं वो पैसे गबन करते हैं। नहीं 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 नहीं, मियाँ साहब बहुत खानदानी आदमी है, उसका ये लाहौर में पूरा पाकिस्तान में मियाँ साहब को आने दो, काम आगे बहुत सही चले। ठीक है, आपकी राय, आपकी राय, आपकी राय। आगे व्यूअर्स, अब मैं आवाम में जा रहा हूँ, एक नौजवान, अस्सलाम वालेकुम।
ब्रदर, अभी सैनेट ने करारदाद मंजूर किया कि सिक्योरिटी की वजह से और मौसम की वजह से इलेक्शन नहीं होने चाहिए, यानी ये नहीं मैं कह रहा ना, फिलहाल उसे मुलतवी कर दिया जाए, ये चीज़ें बेहतर हों तो फिर इलेक्शन करवा लें। आप इस करारदाद को सपोर्ट करते हैं? मैं इलेक्शन करवाने चाहिए, करवाने चाहिए। हाँ जी, इस हालात में इलेक्शन नून लीग आए और मुल्क को दोबारा सेट करे। नून लीग आए, नून लीग आए आए, लेकिन इस वेले तो मियाँ साहब की गल्ला सब तो ज्यादा मनिया जा रही ने, तो वो फिर कहे ना करारदाद सैनेट च अपने बंदियां नु के कम पा दियो, इलेक्शन होना चाहिए ने, होना चाहिए इलेक्शन, इलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, नून लीग आए दोबारा और पाकिस्तान को दोबारा कायम करे, दोबारा कायम करे। हाँ जी चाचू, बिल्कुल जी, नून लीग चाहिए हमें और दोबारा इधर आए। और चाचू फिर अगर वो बाहर चला गया, फिर बाहर चला गया अगर सर, बाहर किधर चले जाएगा? पहले भी 10 दफा गया जब सर, इधर भी आएगा, इधर ही रहेगा, बाहर क्यों जाता है? अभी 10 दो ना सर, बस कुछ की मजबूरी हो गई सर, होता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन नून चाहिए हमें, नून चाहिए, वो बाहर चले जाता है। मियाँ साहब चाहिए हमें, मियाँ चाहिए, मियाँ बाहर क्यों जाते हैं ये भी बता दे, बता दे। वो इलाज के लिए जाता है ना, केड़ा इलाज है जेरा बाहर ही है, बाहर इधर भी हो जाएगा सर, लेकिन नून चाहिए हमें, चाहे बाहर भी जाए, नून चाहिए, चाहे जाए बाहर भी जाए, चाहे करप्शन हो, जो चोर भी हो जाए, चाहे चोरी हो, हमें नून चाहिए बस, चाहे चोरियाँ डकैतियाँ नहीं होती, नहीं होती भाई, पहले होती है नहीं होती, नहीं हल्की फुल्की वो तो अभी भी हो रही है। चाची गलत, हल्की फुल्की क्यों करते ने, दस दो कंच दस दो करते ने, हमें नून चाहिए बस सर, हल्की फुल्की हो जाने, हमें मियां नवाज शरीफ चाहिए। एक गलत, एक सवाल, एक सवाल का जवाब, हल्की फुल्की अगर चोरी की कारी हो जाए आपस ही गया चाचा भतीजा क्यों होती है? नहीं सर, मैं हमें नून चाहिए बस। वो अभी सैने ने करारदाद मंजूर कर ली है, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी का भी मसला है और मौसम का भी मसला है, इलेक्शन लेट करो, इलेक्शन लेट हो जाए आप ठीक है? नहीं नहीं, इलेक्शन करना चाहिए। आप चाह रहे मियां नवाज शरीफ जल्दी वजीर आजम आ जाए? नहीं नहीं, खान साहब आ जावे यार, इलेकशन हो गया तो कह रहे नवाज शरीफ आ रहे, मकबूल तो नहीं लीडर, तो नवाज शरीफ है, खान साहब लीडर है, शेर है, शेर नवाज शरीफ नहीं है? नहीं नहीं, नवाज शरीफ नहीं। आप बताएं, वो बात नहीं कर रहे इनकी राय। अब हम जाएंगे अंदर। हैं जी, और मैं तो नहीं कह रहा, अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन सैनेट की करारदाद तो ये असी ना ऐसे कटर जी पा देने, असी नहीं देने इलेक्शन वोट, क्यों वोट जाया कर दें सर? तस्वीरें हमजा साहब दिया, मियां साहब दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, लालो जिंदगी तंदुरुस्त, तो फिर क्यों वोट जाया? इन्होंने सिर्फ तस्वीरें तो कायम ही रहना, टेंशन ना लो, तस्वीरें कैमरा ने जिन्हों पाने अंदर चला जाता, तो सू की लड़ है किसी पाने की, बाहर ही तो आई डब्बे के जरा सोना लगा ठप्पा ला देंगे। ये वामी राय, सैनेट ने करारदाद मंजूर किया, इलेक्शन लेट किए जाए, हमने वोट देना ही नहीं किसी को भी, नहीं नहीं। तस्वीरां फिर बैनर क्यों लांदे हो? मार्केट बड़े ताजरां ने लाई है। तुसी नहीं लाई, तुसी भी बड़े हो? नहीं, असी छोटे मजदूर बंदे हैं। मजदूर बंदे हो? मजदूर बंदे हैं। ठीक है, अवामी राय, अवामी राय। अच्छा चाचू, सैने ने करारदाद मंजूर की है कि इलेक्शन फिलहाल मुलतवी कराए जान, दो वजह दसिया ने के ओ नहीं होना चाहिए, दो वजूहत दसिया, दो वजूहत दसिया ने, एक के मौसम नहीं ठीक, दूजा सिक्योरिटी। असल इलेक्शन लोग चाहते नहीं कि इलेक्शन हो, लोग तंग हो गए बिल्कुल, किसी जमात वोट नहीं पाने, जो चल रहा है चलता रहने, जो चाह रहे चाह रहे। जी चाचू, अस्सलाम वालेकुम, मैं प्यारा भी इना खर्चा करके वोटा का महल्ले दियाँ भंडियाँ पवा के तो मननी थी अमरीका दी है ना, उन्होंने पूछो कि नहीं बनानी, बना दो गल खत्म ना करो, ओके, और नवाज शरीफ नहीं मानता अमरीका दी ना, ओके बस, जो कल के सही है, इंज ही होना है, अमरीका बना दो, गल सही है,
ਐ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਭਣ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਲਿਆਂ ਨੇ ਭੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ رائے ਤੁਹਾਡੀ رائے ਸਰ 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 ਅਗਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਬਿਲਖਸੂਸ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਰਦ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਮੇਂ ਔਰ ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਮ ਕੈਸੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਵੋਟ ਵੋਟ ਕੇ ਲਈ ਆ ਗਏ तो फिलहाल इलेक्शन मुखर किया जाएगा। आवाम ने मुझे तो लगता नहीं कि इस दफा वोट के लिए बाहर निकलेगी आवाम, क्योंकि आवाम तो आजमा चुकी है पहले इनको, ठीक है। अब आवाम जो है आवाम इसी चक्कर में कि खान साहब बाहर आए तो उनको डालेंगे वोट, जो सीधी सी बात नजर आ रही है। सर मियाँ साहब को क्यों नहीं, मियाँ साहब को देख आजमा लिया हुआ है, मियाँ साहब मियाँ लव नहीं लड्डे।